कैसे जेल में जाने के बाद इस बंदे ने इस्लाम कबूल कर लिया। असल में यारों इसका नाम मार्को वाइट जूनियर है, जो यूके के सबसे अमीर और मशहूर शेफ मार्को पियर के बेटे हैं। अब क्योंकि यारों इनके बेटे के पास बेहिसाब दौलत थी, इसीलिए वो बहुत बड़े नशेली बन चुके थे। आप इनके सिर्फ टैटूज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने किस कदर गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। खैर, इतना ज्यादा रमल काटने के बाद इन्हें एक शॉप पर चोरी करने और इलीगल वेपन रखने के क्राइम में अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट ने इन्हें 1 साल की सजा सुना दी। यारों याद रहे कि इनके फादर ने नशा छुड़ाने के लिए इन पे 1 मिलियन पाउंड्स खर्च कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ था। मगर जब ये जेल में गए तो वहाँ पर इनकी मुलाकात मुसलमान कैदियों से हुई। वो मुस्लिम कैदी डेली जेल के अंदर नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत करते थे, जिसे सुनकर मार्को को बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। आखिरकार इन्होंने जेल में इंग्लिश कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी और जेल में ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और यहाँ तक कि नशे के साथ साथ सारे गलत काम भी छोड़ दिए।